तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो आजकल का दौर है VFX CGI का हाई फाई इफेक्ट करके या फिर फिक्शनल मासी एक्शन मूवी बना के एक बार के लिए 400-500 करोड़ रुपए लगाओ और हजारों करोड़ का बिजनेस कर ले जाओ। कंटेंट में लॉजिक और स्टोरी की कोई ज़रूरत होती नहीं है। जैसे पठान आई थी, क्या थी उसकी स्टोरी? अगर कुछ भी स्पेशल इफेक्ट ना लगाएं तब उसकी औकात थी कि स्टोरी के दम पर हजार करोड़ कमा ले जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ मूवी निकलती हैं छोटे बजट में, ना ही प्रमोशन होता है फिर उनका, बस कंटेंट के दम पर अपना झंडा गाड़ के जाती हैं और मोटी कमाई छाप कर भी ले जाती हैं। लाइक कांटारा, मात्र 15 करोड़ की फिल्म और कमाई 400 करोड़ की, भाई सबके होश उड़ गए थे। अगेन हिस्ट्री रिपीट होने वाली है भाई लोगों, एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्री आफ्टर कांतारा अब टोबी रिलीज करने वाला है और इसका ट्रेलर हो गया है रिलीज। भाई जो स्ट्रांग कंटेंट की खुशबू आ रही है ना इससे, पूरे ट्रेलर से, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। एक एक पार्ट इस ट्रेलर का सॉलिड है और जो एक्टिंग करी गई है राज सेट्टी के द्वारा, भाई इस चेहरे को देखो, दिखने में बहुत ऑर्डिनरी है लेकिन जैसा यूनिक कैरेक्टर ये मूवी में दिख रहा है वैसे ही यूनिक नेचुरल हटके है ये बंदा। इस स्टोरी को लिखा भी इस बंदे ने ही है और मेन लीड रोल प्ले भी यही कर रहा है। अलग हटके ऐसा यूनिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो और कोई शायद कर भी ना पाता इतने परफेक्शन से। राज सेट्टी ये बिल्कुल एक अंडररेटेड एक्टर है। इस बंदे की परफॉर्मेंस का दम अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इनकी एक सुपर डुपर हिट मूवी आई थी गरुड़ा गमाना वृषुभा वहाना, इस मूवी में जो आग लगाई थी इस बंदे ने कतई नेचुरल। भाई मैं फैन हो गया था इस बंदे का और अब टोबी में अलग लेवल का एक रॉ रस्टी क्रूअल वाइल्डिस्ट कैरेक्टर आफ्टर डेथ। रुको, आफ्टर डेथ मतलब देखो ट्रेलर से साफ पता लग रहा है कि एक जो ऑर्डिनरी दब्बू किस्म का इंसान होता है, बिल्कुल पुअर क्लास गाय है, राज सेट्टी वो प्ले करते रहते हैं। फिर अचानक किसी मर्डर केस में फंस कर एक एम्बुलेंस में मरे हुए दिखाई पड़ रहे थे। आफ्टर दैट ये रिवेंज कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और ये बंदा टोबी जो एक मौत की देवी है उसका कैरेक्टर रोल प्ले करते हुए रस्टी एंड क्रूअल तरीके से चुन चुन कर मारते नजर आ रहा है। यहां से एक सिग्नल ये भी निकल कर आ रहा है कि जब भी किसी गरीब या कमजोर पर अत्याचार होगा ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करेगा। सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट कांतारा में भी यूज करा गया था लेकिन वहां एक पूरे गांव के लिए किया था, कैसे जिसकी वो पूजा करते थे उनकी रक्षा के लिए आता है। तो मूवी में आपको एक्शन भी दबा के मिलने वाला है, क्राइम फिक्शन भी मिलने वाला है। दोस्तों मूवी रिलीज होने का एक्साइटमेंट मुझे तो बहुत ज़्यादा है और मूवी आनी 25 अगस्त को है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखो यार, गारंटीड मजा आ जाएगा अगर कंटेंट लवर हो तब। बाकी दिल से बोलूँ तो यस, गदर 2 भी आ रही है, OMG 2 भी आ रही है, सालार जवान पहले ही लाइन पर बैठी हैं, लेकिन असली जो कॉन्टेंट मिलेगा वो यहां से मिलेगा। तो दिल थाम के बैठ जाओ और इन्जॉय द रियल सिनेमा। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। यहां पर कौन कौन ऐसा है जिसने कांतारा मूवी देखी है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।